हाय एवरीवन, आज के पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप एसएससी ऑफिसर ट्रेनिंग का फॉर्म कैसे फिलअप करते हो। यहाँ पे मैं वन बाय वन हर एक स्टेप आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपको कोई भी फॉर्म में कोई गलती नहीं होगा। तो आप पूरा वीडियो देखिए और फॉर्म कैसे भरते वो पहले देख लीजिए, तो इससे आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो सकता है। सबसे पहले बोलती हूँ, मैं हूँ ज्योति फ्रॉम जीरो टू प्लेसमेंट। यहाँ पे हर एक चीज़ों का अपडेट्स दिया जाता है। मोर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, इसकी जो लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे या फिर हमारे वेबसाइट में भी मिल जाएंगे। इससे पहले मैंने इसका नोटिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर दिया था, तो वो उसके भी जो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे तो उसे भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें जो लॉगिन का आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें आप डायरेक्ट जब जाते हो तो यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन और रजिस्टर्ड में दिखेगा। अगर आप न्यू हो तो रजिस्टर्ड में जाना है, अगर आप ओल्ड हो आपका ऑलरेडी बना हुआ आईडी तो आपको रजिस्टर्ड में जाना है। जैसे ही आप रजिस्टर्ड में क्लिक करते हो तो आपका ये फॉर्मेट आपका खुल जाएगा। यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड विद आधार कार्ड भी आप कर सकते हो और विदाउट आधार कार्ड भी आप कर सकते हैं। तो दोनों में से जो ऑप्शन आपको चूज करना है वो करिए। उसके बाद अगर आप आधार कार्ड नहीं लेते हो तो आप 10 का वोटर आईडी कार्ड का या फिर अपना डेट ऑफ बर्थ का भी देकर आप इसमें और लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन अपने आप करिएगा, नंबर उसका देना होगा और कैप्चर जैसे करके आप लॉगिन में क्लिक करते हो वैसे ही आपका ये रजिस्टर्ड का फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ रजिस्टर्ड का फॉर्म जैसे ही खुलता है तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पेरेंट्स नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल आप कहाँ से हो, कोई भी स्टेट से इंडिया के हो, नेशनलिटी, पैन कार्ड अगर है तो आप दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर, मेरिटियल और आधार कार्ड है या नहीं, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट है या नहीं, ये आपको येस और नो में जवाब देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एडुकेशन डिटेल आपको भरना है, तो एडुकेशन डिटेल में आपको बीटेक, बीई, एमटेक जो आप कर रहे हो फाइनल ईयर के हो तो वो आपको यहाँ पे डालना है, या फिर परसुइंग कर रहे हो थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर कम्प्लीट होने वाला तो आप डाल सकते हो। जैसे ही वो कम्प्लीट होगा तो आपको यहाँ पे अकाउंट डिटेल डालना है, अपना ईमेल आईडी, एक पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा, कंफर्म पासवर्ड देना है और कैप्चर डाल के आपको यहाँ पे सेव में क्लिक करना है। तो आपका क्या होगा, रजिस्टर्ड हो जाओगे। देखिए, आपका जो रजिस्टर्ड होगा ना तो वो आपके फ़ोन में एक मैसेज चला जाएगा जिसमें आपको ईमेल में, तो ईमेल को आपको पहले खोलना है, वहाँ पे क्लिक हेयर में क्लिक करके आपको अपने अकाउंट को सक्सेसफुली वेरीफाई करवाना है कि यार दैट पर्सन इज़ यू, और आपको यही करके फिलअप करोगे। उसके बाद फिर आपको एक नया रजिस्ट्रेशन का को यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे जो ईमेल आपने डाला था अकाउंट वेरीफिकेशन में और यहाँ पे पासवर्ड जो आपने बनाया था वो, और कैप्चर डालने के बाद लॉगिन में आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपका यहाँ पे ऐसे करके डिटेल खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको पूरा एडुकेशन डिटेल्स आपको यहाँ पे पूरा फिलअप करना है कि आप ग्रेजुएशन कहाँ से कर रहे हो, कौन से सब्जेक्ट से कर रहे हो, ईयर कौन से पासिंग ईयर आपका कौन सा है कि आप कौन से ईयर में पास करने वाले हो, कंप्लीट हो गया या फिर इन फाइनल ईयर में हो तो डालना है, सीजीपी में है या परसेंटेज में, रेगुलर हो, फिर मार्कशीट आपको यहाँ पे डालना है, यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, कॉलेज नेम, कॉलेज कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, कैसे मिल रहे, फिर आपको 12th का डिटेल पूरा फिलअप करना है, 10th का डिटेल पूरा फिलअप करना है, आपको मार्कशीट अपलोड करना है, उसके बाद सेव में आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट, जैसे ही आप इसको कंप्लीट करते हो तो देखिए आपको यहाँ पे एडुकेशन प्रोफाइल जो है अपडेट हो चुका है। अगर कोई भी मिस्टेक होगा तो आपको यहाँ पे रेड मार्किंग दिखेगा। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस अपना डालना है और अपना जो अल्टरनेटिव ईमेल है तो वो डाल सकते हो, या सेम एज परमानेंट एड्रेस है तो ठीक है, नहीं तो आप अनदर एड्रेस भी डाल सकते हैं। डॉक्यूमेंट में आपको फोटो साइज देना है 100 KB के अंदर होना चाहिए। याद रखिएगा कि आपका विड्थ 300 होगा और लेंथ आपका 400 के अंदर होना चाहिए। सिग्नेचर का क्या है, 300 और 200 है, पर 100 KB के अंदर होना चाहिए। जैसे आप डालते हो उसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट डालना है, रेसिडेंस प्रूफ, और सेव में क्लिक कर देना है। जैसे आप कंप्लीट करते हो आपका ऐसा प्रोफाइल खुल जाएगा, मतलब आपका सारा डिटेल फिलअप हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको आधार कार्ड डालना है तो आप अपडेट कर सकते हो आधार कार्ड नया, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको करंट अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप करंट अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करते हो तो देखिए ऐसे आपको
खुलेगा कि ये फॉर्म अभी चल रहा है, इसीलिए आपको ये दिखेंगे। उसके बाद आपको अप्लाई नाउ में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ में क्लिक करते हो तो देखिए आपका ऐसा फॉर्मेट आपको खुल जाएगा। यहाँ पे आप तीनों को सेलेक्ट करिए, यहाँ पे सारे पोस्ट का आपको दिया हुआ डिटेल, लास्ट में अप्लाई नाउ में आपको क्लिक करना है। जैसे अप्लाई नाउ क्लिक करते हो आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स फिलअप करना है, फिर से आपका नाम देना है। यहाँ पे ऑलरेडी जो आपने डाल दिया था फादर नेम वो सब नहीं डालना है, सिर्फ आपको अपना फुल नेम डालना है, आपका जो प्रेफर लैंग्वेज क्या है, SMS लैंग्वेज क्या है। उसके जैसे क्लिक करोगे आपको जो जो अगर येस की हो तो सब में आपको नंबर डालना है, नो है तो उसमें आपको नंबर नहीं डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका क्या डालना है, डू यू हैव आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब का नंबर डालना है। उसके बाद सेव नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। सेव नेक्स्ट क्लिक करने से आपका सेकेंड ऑप्शन एडुकेशन पर्टिकुलर्स में आते हैं कि आप जो एडुकेशन यहाँ पे की हो 12 का, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है जिसमें आपका बहुत अच्छा मार्क्स आए हुए हो, उसे सेलेक्ट करिएगा तो आपको एस्टिमेट 1% ऑप्टेन करा दिया जाएगा। 12 का क्या है, चेकआउट करने के बाद आपका 10 का मार्क्स यहाँ पे डालना है इंग्लिश का, ऑप्टेन कितने हुए हो, और सेव नेक्स्ट में क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलिट्री रिकॉर्ड डालना है कि आपने आर्म फोर्स में कभी ज्वाइन किया था, या NCC किए हो, या पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट दिए हो, SSB में कभी भी आप पहुँचे हो या नहीं, उसके आपको डिटेल यहाँ पे यस नो में क्लिक करना है। अगर नहीं है तो नो क्लिक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर है तो यस करिएगा और वो जगह जहाँ पे आप किए हो उसका आपको डिटेल डाल देना है। डालने के बाद आपको सेव नेक्स्ट में क्लिक करना है। जैसे आप सेव नेक्स्ट में क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन पर्टिकुलर्स आएंगे। कम्युनिकेशन पर्टिकुलर्स मतलब होता है कि आपका एड्रेस, तो आपने एड्रेस जो डाला है वही कंफर्म है, तो उसको सेव नेक्स्ट करिएगा तो आपको मिसलिनियस में आ जाएगा। मिसलिनियस में जैसे ही आप आते हो तो यहाँ पे आपको पूछता है कि आपके एंट्री के बारे में कहाँ से आपको पता चला, वो आप डालिए, और ये आप क्यों अप्लाई करना चाहते हो, और आपको स्विमिंग आता है कि नहीं, उसके बाद सेव नेक्स्ट में आपको क्लिक करना है। जैसे सेव नेक्स्ट क्लिक करोगे आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट पूछेंगे कि आपने डॉक्यूमेंट सब सही दिया है या नहीं। अगर आपने सही दिया है तो सेव नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। अगर आपको ऐड और मोर करना है, जैसे आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट हो, ये सब हो, तो आप इसे ऐड मोर में क्लिक करके आप उसे भी डाल सकते हैं। ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे पूरा वेयर वाइज है कि आपको कौन सा प्रायोरिटी चूज़ करना है, मतलब लाइक यहाँ पे 8 प्रायोरिटीज़ है, आप अगर जिसमें आपको इच्छा है, जो प्रायोरिटीज़ आपको चॉइस करना है, वो आपको पोस्ट के बारे में भी अगर इन्फॉर्मेशन है उसके भी वीडियो दिए हुए हैं, उसे भी आप चेकआउट करिए। वहाँ पे सारे पोस्ट आपको बता दिया है कि आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे 8 प्रेफरेंस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे आपका प्रायोरिटीज़ कंप्लीट हो जाएगा आप प्रीव्यू एक बार चेकआउट कर सकते हो, अपना पर्सनल पर्टिकुलर एडुकेशन का, मिलिट्री, कम्युनिकेशन का, मिसलिनियस, डॉक्यूमेंट एंड प्रायोरिटीज़ के। जैसे आपका ये कंप्लीट होता है तो आपको सबमिट एप्लीकेशन में क्लिक करना है, तो आपका क्या होगा, फाइनल सबमिशन हो जाएगा। यस क्लिक करिएगा और तो आपका फाइनल सबमिशन देखिए हो गया है। यहाँ पे क्या करना है, आपको डाउनलोड क्लिक करके डाउनलोड करना है, या फिर आप एप्लीकेशन स्टेटस या क्लिक हियर एप्लीकेशन स्टेटस को भी आप यहाँ चेक कर सकते हो। तो देखिए मेरा एप्लीकेशन सबमिट हो गया है, इसलिए सबमिटेड दिखा रहा है। तो ऐसे ही करके आप इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आपको कोई भी इशू होता है तो आप हमें मैसेज या कमेंट कर आप पूछ सकते हैं, आपको हेल्प कर दिया जाएगा। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जाइए जल्द से इसको फिलअप कीजिए, 6 तारीख तक लास्ट डेट है। आज के लिए इतना ही, मोर वीडियोस के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।